आज के वीडियो में मैंने आपके लिए डिविडेंड और क्वार्टरली रिजल्ट से संबंधित न्यूज़ लगाई है। और हम यहाँ पे जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, यह एक बजाज ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी है, जिसमें हम यहाँ शानदार न्यूज़ देखने को मिलने वाली है। तो इसके लिए हम आ चुके हैं यहाँ पे एनजेवन एप्लीकेशन पे, और एनजेवन एप्लीकेशन पे आने के बाद हम वॉचलिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। वॉचलिस्ट पर क्लिक करने के बाद मैंने उस कंपनी को अपने वॉचलिस्ट पर ऐड करके रखा है। यह कंपनी जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन से भी बिलोंग करती है। कंपनी का नाम है बजाज फिनसर्व, और इस समय इसका जो शेयर प्राइस है ये 1303 पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। इस स्टॉक में 26 अप्रैल के दिन डिविडेंड की मीटिंग शेड्यूल की गई है, और इसी दिन यहाँ पे क्वार्टर फोर के नंबर भी हमें आते हुए नज़र आते हैं। अगर कंपनी के नंबर अच्छे आते हैं और साथ में डिविडेंड अच्छा खासा यहाँ पे दिया जाता है, तो इस स्टॉक में हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो इस न्यूज़ के लिहाज से यह स्टॉक आपको अपनी वॉचलिस्ट में जरूर रखना चाहिए। अब यहाँ पर हम चार्ट का एनालाइज करते हैं, तो इस पर चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि बजाज फिनसर्व का जो स्टॉक है, जिसने एक डाउन साइड से अच्छा खासा यहाँ पर मूवमेंट दिया है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसने पिछले कुछ दिनों से जो कंटिन्यू डाउन चल रहा था, यहाँ से कंटिन्यू डाउन आ रहा था, और इसने एक बॉटम से अच्छा खासा एक अपसाइड बनाया है। और अगर हम इसमें देखें तो एलएमए इंडिकेटर और बॉलिंजर बैंड के सिग्नल लाइन के ऊपर यह स्टॉक निकल चुका है। तो ऐसे में इस स्टॉक में हमें आने वाले समय में और ज़्यादा अपसाइड के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। इसके लिहाज से इस स्टॉक में अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं टूल ऑप्शन का यूज़ करके, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं सबसे पहले ड्रॉ करूँगा, और यहाँ पे जो इसका रिजेक्शन का पॉइंट है, इस रिजेक्शन के पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को रखूँगा, और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है मैं इसके बॉलिंजर बैंड के आसपास रखूँगा। तो जैसे कि मुझे यहाँ देखने को मिलता है कि पहला तो इसके अंदर हमें जो लेवल देखने को मिलता है, यह लेवल बनता है हमारा 1311 का। अगर ये लेवल होल्ड कर लेता है बजाज फिनसर्व का स्टॉक, तो हमें 1350 का अपसाइड का यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर ये लेवल भी होल्ड होता है बजाज फिनसर्व के स्टॉक में, तो यहाँ पे हमें 1400 से लेके 1430 तक के अपसाइड के मूवमेंट यहाँ पे नज़र आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर एक नज़र डालते हैं हम एमएचडी इंडिकेटर में, तो एमएचडी इंडिकेटर में यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो इस लिहाज से ये स्टॉक को आपको अपनी वॉचलिस्ट में जरूर रखना चाहिए। अब मैं यहाँ पे जैसे कि इस स्टॉक को बाय करना चाहता हूँ, इस न्यूज़ का बेनिफिट लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं बाय ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर जितनी भी संख्या क्वान्टिटी में लेना चाहता हूँ वो संख्या मैं मैंशन करूँगा। सपोज़ मैं यहाँ पर 10 शेयर के लिए ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, और 10 शेयर में मुझे जो अमाउंट लगेगा ये 13,039.5 का लगेगा। लेकिन मेरा अकाउंट एंजल वन में होने के कारण मुझे यहाँ पे फॉरेक्स का मार्जिन मिलने वाला है। मैं यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करता हूँ तो मुझे जो 10 क्वांटिटी है जो 13,000 प्लस में आ रही थी, अब मुझे ओनली 3,124 में आएंगी। तो दोस्तों आपने देखा कि कितना इजी, कितना आसान है एंजल वन एप्लीकेशन में काम करना। अगर आपने अपना डिमेट अकाउंट एंजल वन में ओपन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज अपना डिमेट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन कीजिए, और इस बेहतर टूल जिसमें हमें 4x तक का मार्जिन मिलता है, इस मार्जिन का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक के माध्यम से अपना डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपका डिमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन होता है, साथ ही आपको 1 ईयर का एमडी चार्जेस बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। अब मैं यहाँ पे बाय ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर पे प्रेस करता हूँ। अभी मार्केट ऑफ होने के कारण मेरा ऑर्डर जो है आफ्टर मार्केट लगेगा। यस ऑप्शन पे प्रेस करूँगा, मेरा ऑर्डर यहाँ पे सबमिट हो जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे कितनी आसानी से ऑर्डर लग जाता है। अब मुझे जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे फ्यूचर ऑप्शन में काम करना है, तो यहाँ पर बजाज फिनसर्व का फ्यूचर भी लगा हुआ है। मैं फ्यूचर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अगर मैं फ्यूचर को बाय या सेल करना चाहता हूँ, अगर मुझे लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं तो स्टॉक में अपसाइड का मूवमेंट आमा आ सकता है, और अगर नेगेटिव रिजल्ट आते हैं तो सेल करके मैं यहाँ से बेनिफिट ले सकता हूँ। तो यहाँ से मैं बाय और सेल ऑप्शन का यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बस मार्जिन कम है, तो मैं ऑप्शन चेन के साथ जा सकता हूँ, ऑप्शन में यहाँ पे बाइंग कर सकता हूँ। अगर मार्केट में रिजल्ट इसके अच्छे आते हैं, तो मैं कॉल ऑप्शन को बाय करूँगा, क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छा है तो कॉल ऑप्शन बढ़ेगा, और अगर रिजल्ट ख़राब आता है, स्टॉक का भाव जो है ये नीचे आता है, तो इस कंडीशन में हम पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। मतलब दोनों ही कंडीशन में हमें बाय करना होता है। अगर मार्केट गिर रहा है, बजाज फिनसर्व का स्टॉक का प्राइस गिरेगा, तो पुट के प्राइस बढ़ेंगे, इसलिए हम बाइंग करके चलते हैं। अब मैं यहाँ पे 1300 का कॉल अगर मैं बाय करना चाहता हूँ, अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो उसको बाय करूँगा, और अगर रिजल्ट ख़राब आते हैं तो मैं 1300 का पुट को ही मैं यहाँ पे बाय करूँगा। सपोज़ मैं यहाँ पे देख लेता हूँ 35 पे जो चल रहा है, तो बाय करने के लिए से बाय ऑप्शन पे प्रेस करूँगा, यहाँ पे 1 लॉट मेंशन करूँगा, 1 लॉट में
जो इसकी क्वांटिटी आती है 500 इसके क्वांटिटी आएंगे एक लॉट में। करंट प्राइस के साथ जो मुझे मार्जिन लगेगा ये 17,900 का लगेगा। बाय ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर प्लेस करूँगा। अभी मार्केट ऑफ होने के कारण मेरा ऑर्डर जो आफ्टर मार्केट लगेगा यस ऑप्शन पे प्लेस करूँगा, मेरा ऑर्डर यहाँ पे सबमिट हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि एंजेबल एप्लीकेशन में हम कैश को भी बाय कर सकते हैं, स्टॉक को भी बाय कर सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इतना ईजी इतना आसान हो जाता है एंजेबल एप्लीकेशन का यूज़ करना। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।